नमस्कार, मैं सोनी ओझा, आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। चलिए रुक करते हैं झारखंड की खबरों की ओर। धनबाद जिले के निरसा प्रखंड परिसर में शनिवार को राजद जिला महासचिव सुनीता सिंह ने चिलचिलाती धूप और बेहद गर्मी को देखते हुए निरसा प्रखंड में आने जाने वाले महिला, बच्चे, बुजुर्ग को सभी को किसी भी तरह की पेयजल की असुविधा न हो, इसके लिए पेयजल पानशाला का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने कहा कि प्रखंड परिसर में एक ऐसी जगह है जहां पर हर समय किसी भी कार्य हेतु लोगों का आना जाना लगा रहता है। इस बार इतनी कड़ी धूप और गर्मी के असर देखी जा रही है, जिसको देखते हुए इस पेयजल पानशाला को व्यवस्थित किया गया ताकि सभी का प्यास बुझ सके, कोई प्यासा ना रहे। वहीं पे उन्होंने बिहार तथा पश्चिम बंगाल के राजद की चुनावी परिणाम अच्छी होने की खुशी में सभी का मुंह मीठा कराते हुए लड्डू भी बांटा। मौके पर समाज सेवी विजय सिंह, अर्जुन भुइया, बिट्टू मिश्रा, काफी संख्या में राजद के महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पंसाला बैठाया और हमारे छोटे भाइयों ने, बड़े भाइयों ने, सभी सहयोगियों ने मिलकर ये कार्यक्रम को सफल किया। आप पत्रकार महोदय ने मिलकर पंसाला का हम लोग के साथ सहयोग किए, ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह का कार्यक्रम हर एक जन को, हर एक नेता को करना चाहिए, क्योंकि ये गर्मी में, चिलचिलाता गर्मी आप देख रहे हैं, बच्चे हैं, माताएं, बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं वो पानी के लिए तरस रहे हैं, पंछी भी।